I'm vengeance. और गाइस कैसे हो? देखो अगर तुम बैटमैन के फैन हो तो तुमको ये बात पता है कि भाई आज मैट रीव्स की दी बैटमैन मूवी रिलीज होने वाली थी और मैं खुद लिटरली सुबह 8 बजे का शो देखने गया था, वो भी अपनी नींद कुर्बान करके। तो समझ सकते हो तुम कि कितनी एक्साइटमेंट थी। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें दी बैटमैन का रिव्यू दूंगा, मुझे कैसी लगी ये मूवी और क्या तुमको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, सब कुछ बात करेंगे इंट्रो के बाद। देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब बैटमैन मूवी के अर्ली रिव्यूज आए थे तब मेरी एक एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि मूवी सच में अच्छी होने वाली है, लेकिन मूवी को देखने के बाद मैं एक बात कह सकता हूं कि मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी बढ़िया निकली है ये मूवी। अब ऐसा नहीं है कि आपने को इस मूवी में बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई है कि कैसे ब्रूस वेन के माँ बाप को एक गुंडा मारता है और इसके बाद ब्रूस वेन बैटमैन बन जाता है, नहीं, ब्रूस वेन ऑलरेडी इस मूवी में बैटमैन बन चुका है। और इस मूवी की एक और खास बात यह है कि ये बैटमैन की जो डिटेक्टिव साइड है उसके ऊपर फोकस करती है। मतलब यूजुअली जो पिछले बैटमैन मूवीज थी उसमें अपने को उसकी जो डिटेक्टिव साइड है उसके ऊपर कभी फोकस ज्यादा किया ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे काफी बढ़िया फोकस किया है और काफी बढ़िया वे में दिखाया है। और इसकी बेसिक स्टोरी भी यही है, टेंशन मतलब मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला, कि एक विलन है जो कि गॉथम सिटी में जो करप्ट लोग है उनको एक एक करके मार रहा है और बैटमैन को इस विलन का पता लगाना है। तो अपने को मूवी में यही देखने को मिलता है कि कैसे बैटमैन अपना 69 IQ लगाता है और इस मिस्ट्री को सॉल्व करता है। और अगर मैं एक्शन की बात करूं तो इस मूवी का एक्शन भी काफी जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा कम है। मतलब जितना एक सुपर हीरो मूवी में एक्शन होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि ये मूवी एक्शन से ज्यादा स्टोरी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो जो लोग ये एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं कि भाई पिक्चर में अपने को फुल एक्शन देखने को मिलेगा, उनको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है यार कि अपने बैटमैन के पास सुपर पावर्स है कि उसने एक बंदे को पंच मारा और वो सीधा रशिया से यूक्रेन में जाके गिरा, नहीं, बैटमैन अपने जैसा एक नॉर्मल इंसान है। तो जो वो फाइट सीन्स है वो काफी रियलिस्टिक है और मेरे को देखने में मजा आया। और अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो काफी लोग ऐसा कह रहे थे कि भाई रॉबर्ट पैटिसन एज अ बैटमैन काफी घटिया कास्टिंग है, और काफी लोग ये भी कह रहे थे कि भाई रॉबर्ट पैटिसन ने ओवर एक्टिंग कर दी है पिक्चर में। लेकिन तुम ये पिक्चर देखो तुमको खुद पता चलेगा कि रॉबर्ट पैटिसन ने कितनी बढ़िया एक्टिंग की है। और बाकी सब भी जो है, जैसे रिडलर हो गया, कैट वुमन हो गई, पेंगुइन हो गया और बाकी सब जो कास्ट है सबने काफी बढ़िया एक्टिंग की है। मूवी में कॉमेडी नहीं है, क्योंकि ये बात तुम्हें पहले ही पता है कि बैटमैन पहले ही काफी सीरियस कैरेक्टर है और ऊपर से जो स्टोरी है वो काफी डार्क और सीरियस है, तो कॉमेडी एक्सपेक्ट करके मत चलना। अब मैं दो ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि इस पिक्चर को काफी इनहेंस करती है, जो कि है इसकी सिनेमेटोग्राफी और BGM। जिस तरह सीन को प्रेजेंट किया है, अलग अलग एंगल से शूट किया है, भाई देखने में मजा आता है। और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है भाई उसका तो अलग ही स्वैग है। मैं बता रहा हूँ मेरे को इसका BGM बहुत पसंद आया है। अब मैंने इस मूवी की इतनी तारीफ कर दी, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है। देखो नॉर्मल ऑडियंस को शायद ये मूवी पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखो पिक्चर पहले 3 घंटे की है, ऊपर से स्लो पेस भी है, ज्यादा मूवी में एक्शन नहीं है, स्टोरी काफी डार्क और सीरियस है, मूवी में कॉमेडी नहीं है। तो जिनको एक्शन पैक कॉमेडी और ब्राइट कलर्स वाली मूवी देखने की आदत है उनको ये मूवी देखते वक्त थोड़ा बोर फील हो सकता है। लेकिन भाई तुम बैटमैन की पिक्चर देखने जा रहे हो तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि स्टोरी डार्क होने वाली है, क्योंकि बैटमैन का कैरेक्टर है ही डार्क। काफी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई क्या ये डार्क नाइट से भी बढ़िया है? तो देखो यार, डार्क नाइट तो एक कल्ट क्लासिक मूवी है, लेकिन ये मूवी भी कम नहीं है, कंपैरिजन मत करो। तो ओवरऑल मेरे को ये मूवी पसंद आई है, और मैं तुम सबको ये मूवी रिकमेंड भी करता हूँ, जाओ जाके देखो। और हाँ, ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है और मैंने इसको हिंदी में ही देखा है। क्या करे भाई, इंग्लिश में तो मेरे यहाँ लगा ही नहीं था। तो अगर मैं इसकी हिंदी डबिंग की बात करूँ तो इसका हिंदी डब अच्छा है। और हाँ, तुम इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हो, 2-4 किसिंग सीन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर तुमने भी ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट्स में अपना रिव्यू बताओ। वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक मार देना, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, उस सब्सक्राइब बटन पे कुछ भी करो, दबा दो बस। चलो अब मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि I'm vengeance.